टमाटर के बढ़ते दामों से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के किसान मालामाल हो गए हैं। जिला के मिनी पंजाब कहे जाने वाले बलह में किसान जयराम ने टमाटर की फसल से करोड़ों रुपयों की कमाई की है, तो कई किसानों ने लाखों रुपयों की। भारी बारिश से टमाटर की खेती को नुकसान भी हुआ, भारी संख्या में टमाटर सड़े भी, लेकिन कुल मिलाकर फसल अच्छी रही। किसानों का कहना है कि अब तक की जिंदगी में पहली बार टमाटर के उन्हें इतने अच्छे रेट मिले हैं। गौर हो कि देश में जब टमाटर का संकट पैदा हुआ तो हिमाचल का टमाटर हर जगह बिका। देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में किसानों ने खूब लाभ कमाया। वहीं मंडी जिला की बलह घाटी के ढाबण गांव के 67 वर्षीय किसान जयराम सैनी पिछले 52 साल से टमाटर की खेती कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ। जयराम सैनी पढ़े लिखे किसान हैं, वहीं इस बार वे अब तक अपनी टमाटर की फसल से करीब 1,10,00,000 रुपए कमा चुके हैं। करोड़ 10 लाख के करीब पैसा हमें सब्जी मंडी से प्राप्त हुआ है, जिसमें खर्चा भी हुआ है, लाखों के हिसाब से खर्चा भी हुआ है। हमारे बुजुर्ग भी इस कार्य को करते थे, उसके बाद हमने भी इसी कार्य को किया। उसमें इतने साधन नहीं होते थे, हमें छोटा मोटा कार्य करते जिससे अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। ना ही हाईब्रिड बीज थे, ना ही वो कंपनियां थी, ना ही सब्जी मंडियां थी। जब इस तो हम पहले तो हम कुल्लू से ही इसको बीज को ले आते थे और छोटा मोटा लगाते थे। जब से सरकार ने सब्जी मंडियां खोली और बाहर पता लगा कि यहाँ भी टमाटर तैयार होता है, वहाँ के लोग भी यहाँ आने लगे और जिससे रोज़गार के साधन बढ़ने लगे, तो हम लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया। पहले हमने 10-20 हेक्टर लगाए, उसके बाद 50 लगाए, फिर पहुँचते पहुँचते इस बार हमने 1.5 किलो बीज जो है अंसर कंपनी का, सेमिनस कंपनी का लगाया हुआ था। तो मौसम की वजह से बहुत गड़बड़ी रही, इसमें आर्द्रता रही और इसमें पानी बारिश का बहुत कोहरा मचा हुआ था, जिसकी वजह से हमें उतनी की सफलता नहीं मिल पाई और वर्षा भी बहुत हुई, जिससे फसलों को बीमारी भी बहुत लगी। लेकिन विभाग के सहयोग से, कुछ कर्मचारियों के सहयोग से जो है और अपनी सूझबूझ से हमने जो है इसको एक ऐसी जगह में पहुंचाया जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। खून पसीने की कमाई है, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जोखिम का कार्य भी है। इसमें जब इसमें मौसम ख़राब हो जाता है तो इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समस्या आ जाती है, उसको निपटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जिनके पास पर्याप्त भूमि है वो जो इस काम को करे, और जिनके पास बहुत भूमि है वो भी इस कार्य को करे। अपने लिए तो हर कोई आदमी कर लेता है, अपनी फैमिली को भी पाल लेता है, लेकिन दूसरों के लिए फसल को तैयार करना, सब्जी उगाना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। इस बार टमाटर के दाम बढ़ने से जहां किसान मालामाल हुए तो वहीं कई किसानों को नुकसान भी हुआ। बलह के किसान ज्ञान का कहना है कि वह 2600 क्रेट टमाटर की निकाल चुके हैं, लेकिन 3000 क्रेट के करीब टमाटर खराब हुआ तो कहीं नदी में बह गया। लेकिन टमाटर के दाम बढ़ने से इस बार वह 25 से 30 लाख रुपए कमा चुके हैं, जिससे वह पिछले 3 साल का कर्ज अब आसानी से चुका सकेंगे। 2-3 जैकेट हमारा खराब हो चुका है, वो खड्ड में बहने से हमारा नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, और बाकी रेट आने की वजह से हम बचे 3 साल का, हमको लोगों का कर्जा देना है और उसकी भरपाई हुई है। गौर हो कि इस बार देश भर में टमाटर के संकट ने जहां लोगों को परेशान किया, वहीं टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मालामाल भी किया। इसी तरह किसानों पर चढ़े कई सालों के कर्ज भी इस टमाटर की खेती के चलते किसानों के लिए राहत बनकर आए, जिससे हिमाचल के किसान काफी खुश हैं। वहीं किसान जयराम ने कहा कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो किसान क्या कुछ नहीं कर सकता, कृषि की नई तकनीकों से भी अपडेट रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि वे खेती की ओर ध्यान दें और वे भी खेती करके अपनी अच्छी आर्थिकी कमाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।